हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल. दिस इज़ रामकृष्णा शुक्ला एंड दिस इज़ राम सर्स चैनल न्यूली क्रिएटेड ऑन यूट्यूब. एज इन माय प्रीवियस लेक्चर आई हैव स्टार्टेड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो इट वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन. व्हाट आर हेलो एल्केन्स एंड व्हाट आर हेलो वरीन्स. वी हैव स्टार्टेड दिस वन ओनली बिकॉज यू पीपल जस्ट on your demand I have started organic chemistry. अब मैं start कर रहा हूँ उसके बाद introduction के ठीक बाद. ठीक है, ठीक है बच्चों. हाँ, ये आप सभी को इससे पहले भी एक video पढ़ चुका है. उसके पहले एक tricky video ECS पे मैंने बनाया था और उसके भी पहले कुछ videos solution पे बनाए हैं. अभी solution पे और video आने हैं. ठीक है, तो धीरे धीरे करके बच्चों, अभी सोर्स उतने नहीं है. ठीक है, बट जो भी है उसी में हम स्टार्ट करके जो चीज़ें हैं हम आपको जो है ग्रेजुअली देना स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं. ठीक, उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लासिफिकेशन. ठीक है, हाँ, आप सभी लोग जो है क्लासिफिकेशन के लिए तैयार हो जाइए. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये हमारा आप सभी को प्रॉमिस है. 100% जिस लेवल तक का आपको ऑर्गेनिक चाहिए उस लेवल तक का आपको मिलेगा. ठीक है, क्लासिफिकेशन सबसे पहला है ये आपका एनसीईआरटी. अभी हम फॉलो कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सबसे पहला बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स. सो वेरी सिंपल, ये तो सबसे सिंपल टाइप हो गया है ना. नंबर ऑफ हैलोजन एटम के बेसिस पे हम लोग जो है बहुत ही सिंपल टाइप है ना. तो कास्ट केमिस्ट्री ऐसी होती. इसमें है क्या बच्चों, ध्यान दो. अगर आपका नंबर ऑफ हैलोजन, जैसे मैं बात करूं यहां पे CH3X. ठीक है, यहां पे नंबर ऑफ हैलोजन एटम कितना है, 1 है. और ये एक एल्केन है ना, यानी ये जो एल्काइल ग्रुप मिला है ये क्या है, ये एल्केन से मिला हुआ है. तो ये क्या हो गया बच्चों, हेलो एल्केन हुआ. कौन सा हेलो एल्केन हुआ, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वन हेलोजन इट विल बी, इसको स्मॉल लिखते हैं है ना, ये क्या हो जाएगा बच्चों, मोनो हेलो एल्केन. इसको क्या कहेंगे हम लोग, मोनो हेलो एल्केन कहेंगे. ठीक, ध्यान दो. इसी के बाद हम CH2X ले लें बेटा. अभी इसका नाम क्या हो गया, डाई हेलो एल्केन बोलेंगे इसको. क्या बोलेंगे, डाई हेलो एल्केन बोलेंगे. ठीक है, और ऐसे ही इसी सीरीज में हम और आगे बढ़ जाएं, CH2X CH2X है ना. अभी नंबर ऑफ हेलोजन एटम कितने हो गए बच्चों, 3 हो गए. तो इसका नाम जो होगा वो हो जाएगा ट्राई हेलो एल्केन है ना. तो ये आपका एक आसान सा है, बिकॉज सीधा हमें नंबर ऑफ हैलोजन एटम देखना है और उसके हिसाब से क्लासिफाई कर देना है. इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, सिलेबस में है तो ये हमें भी जानना है. ठीक है, ये डाई हेलो एल्केन. अब ध्यान दो, इसमें एक कैटेगरी और भी अगर ज्यादा हो जाए, ऐसे और बढ़ते रहे, तो बेटा ध्यान दो, दो या दो से अधिक को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, पॉली हमें हम डाल देंगे. फर्दर जैसे अगर मुझे पर्टिकुलर चाहिए, 3 चाहिए, तो 3 को हम लोग ट्राई हेलो एल्केन बोलेंगे, बट ये पॉली का टाइप है. ठीक है, हाँ, ये पॉली का टाइप है. तो दिस इज ऑल अबाउट योर यू नो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम. ये हमने किसको क्लासिफाई किया बच्चों, ये हमने क्लासिफाई किया है एल्केन वाली कैटेगरी को. ठीक, अब एरीन वाली हम लोग क्वालिफाई कर लेते हैं ना. ठीक है, बिकॉज ये चेन वाला है, ये एलिफैटिक है. तो एरीन में क्या करना होगा, वो भी सिंपल ही है, कोई भी एक एरोमेटिक रिंग लेते हैं, स्पेशली बेंजीन लेंगे, क्योंकि बेंजीन क्या है, हाँ ना, सबको पता है एरोमेटिक कंपाउंड है. और भी एरोमेटिक कंपाउंड है, वहां पे भी क्लासिफाई हो सकता है. अभी हम बेंजीन लेकर के देख रहे हैं. ठीक है, तो ध्यान दो, ये बेंजीन है, मैंने एक हैलोजन लगाया, तो बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा, मोनो हैलो अरीन हो जाएगा, है कि नहीं भाई. देखो, एक हैलोजन, ठीक, इसलिए मोनो आया. और ये हैलो क्यों, क्योंकि यहां पे मैंने कोई क्लोरी मतलब स्पेसिफिक नहीं लिया हुआ है, और ये एरोमेटिक कंपाउंड के कारण ये एरीन है. यहीं पे ध्यान दो, अगर मैं इसको कोई एक पर्टिकुलर कंपाउंड करके वो करूं, यहां पे मैं क्लोरीन ले लूं, ठीक है, तो क्लोरीन लेने से क्या हो जाएगा, मोनो क्लोरो एरीन हो जाएगा, है ना. तो ऐसे तो है, एरीन रिंग का नाम क्या है, बेंजीन.
तो ये मोनोक्लोरोबेंजीन भी आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप क्लासीफाई करते हो। यहीं पे ध्यान दो, नंबर ऑफ फेलोजन क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए एक्स, है ना, यानी देखो दो हो गए बेटा, दो हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, डाई डाई हेलो अरीन बोलेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डाई हेलो अरीन बोलेंगे। और यही पे क्या हो जाए, और बढ़ जाए, ठीक है, हाँ इससे ज्यादा हो जाए, तो अभी जैसे ये मैंने लिया हुआ है तीन आपके लिए, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, ट्राई ट्राई हेलो अरीन हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ जाओगे, चार हेलोजन लग जाए तो टेट्रा बोल सकते हो, ठीक, बट आप ओवरऑल अगर देखना चाहो तो दो या दो से अधिक को आप पॉली की कैटेगरी में आप डाल सकते हो, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन आपको पर्टिकुलर चाहिए, नहीं मुझे डाई ही चाहिए, तो क्या करोगे आप, यहाँ पे दो हेलोजन, ट्राई के लिए तीन हेलोजन, है ना। जैसे आपको ध्यान दो, मैं एक कार्बोहाइड्रेट में ऐसे आता है, मोनोसैकेराइड्स होता है, दूसरा होता है ऑलिगोसैकेराइड्स, ठीक, और तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड्स। तो ऑलिगोसैकेराइड्स में बच्चों क्या होता है कि 2 से 10 तक की शुगर यूनिट सारी की सारी ऑलिगोसैकेराइड कहलाती है, ठीक है, यानी जो भी कार्बोहाइड्रेट में 2 से 10 के बीच में आएगा वो ऑलिगोसैकेराइड होगा। लेकिन ध्यान दो, उसमें हमें पर्टिकुलर चाहिए, हमें क्या चाहिए, डाईसैकेराइड चाहिए। तो सुक्रोज क्या हो जाएगा, ये ऑलिगो तो है, साथ ही साथ ये डाईसैकेराइड है, तीन शुगर यूनिट है तो वो ट्राईसैकेराइड है, लेकिन साथ ही साथ वो क्या है, ऑलिगो भी है, ठीक है। तो ऑलिगो एक बड़ा डिवीजन हुआ, और ये आपका पर्टिकुलर के लिए आपने बाई ट्राई टेट्रा पेंटा एंड सो ऑन यूज कर लिया, ठीक है। तो काश केमिस्ट्री बच्चों इतनी आसान होती, है ना, क्योंकि इसमें तो कुछ समझना नहीं है, सीधा नंबर ऑफ फेलोजन एटम के बेसिस पे हमने क्लासीफाई कर दिया, ठीक है। तो ये सबसे ईजी चीज है, अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हाँ इस पे टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट ध्यान देते हैं बच्चों, ठीक है, सेकेंड आपका है बेटा कंपाउंड्स कंटेनिंग, कंटेनिंग sp3 cx, ठीक है। यहां पे कार्बन, अब ध्यान दो, जो ये कार्बन है इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, ठीक। हम लोग ऐसे कंपाउंड्स को क्लासिफाई करने जा रहे हैं जिसमें CX क्या है बच्चों, sp3 है, यानी कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। अभी sp2 के बेसिस पे भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसमें कौन कौन से डिवीजन आते हैं, तो ये आपका दूसरा बेसिस था, अब इसमें ABC करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला है बच्चों एल्काइल, हाँ सबसे पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एल्काइल हैलाइड, ठीक है, एल्काइल हैलाइड हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो एल्काइल हैलाइड्स में क्या होता है, इसका सिंबल क्या है, RX, ठीक। एल्काइल हैलाइड्स का बच्चों सिंबल क्या है, RX है, ठीक है भाई। एल्किल ग्रुप को R कहते हैं, X को क्या कहते हैं, हैलोजन। तो R क्या क्या हो सकता है, R आपका CH3 हो सकता है, ठीक, C2H5 हो सकता है, कोई भी, जो भी, देखो ध्यान दो, एल्किल ग्रुप होते क्या है बच्चों, एल्किल ग्रुप ध्यान सबको पता होगा, CnH2n+2 क्या होता है, CnH2n+2 आपको पता होगा, ये जनरल फॉर्मूला है एल्केन का। तो अ ग्रुप विच इज ऑप्टेन्ड बाई रिमूविंग वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन एल्केन इज नोन एज एल्काइल ग्रुप, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल R, ठीक है। वो ग्रुप जो हमें एक हाइड्रोजन रिमूव करके मिलता है, कहां से, एल्केन से, उसी ग्रुप को एल्काइल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मीथेन एक एल्केन है, मीथेन का जनरल फॉर्मूला CH4 होता है, मीथेन का एक हाइड्रोजन हटाओगे तो बच्चों क्या मिलेगा, CH3 मिलेगा, यस नो, तो CH3 इज वन ऑफ द एल्काइल ग्रुप। सिमिलरली C2H6 ईथेन है, ईथेन का एक हाइड्रोजन हटाओगे तो क्या मिलेगा, एथाइल मिलेगा, तो ये भी आपका क्या है बच्चों, एल्काइल ग्रुप है, ठीक। तो कुल मिला के जितने भी, अब जैसे यहां पे दो मैंने लिया, और भी हो सकते हैं C3H7, तो ये मेथाइल एथाइल ओके प्रोपाइल, और भी आगे C4H9 एटसेट्रा। व्हाई देयर इज बॉन्ड, एक बॉन्ड नजर आ रहा है ना हर जगह, तो सिंपल सा है कि कार्बन की एक वैलेंसी अभी इनकम्प्लीट है, वो क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव करके बना हुआ है। बेटा हैलोजन क्या क्या हो सकता है, ठीक, हैलोजन आपका फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, एंड आयोडीन हो सकता है, ठीक, ये सारे आपके क्या है, हैलोजन एटम्स है, ठीक है। अब एस्टेटीन भी इस कैटेगरी में है, बट वो नहीं लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि वहां ध्यान दो वो हैलोजन की प्रॉपर्टी जो, हाँ हैलोजन का मतलब क्या होता है, ध्यान दो ये भी दो वर्ड से मिलके बना है, हैलो और जंस, हैलो का मतलब होता है बेटा सॉल्ट और जंस का मतलब प्रोड्यूसर।
तो ये प्रॉपर्टी एस्टेटिन नहीं एग्जिस्ट करता, क्यों? क्योंकि वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं? जो अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस को इमिट करते हैं, है ना? तो एस्टेटिन एक्स के प्लेस पे नहीं आएगा, बाकी सारे एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है बच्चों? अगर हम कंपाउंड जनरेशन की बात कर लें तो CH3Cl ये एक तरीके का एल्किल हैलाइड हुआ है, और क्या हो सकता है C2H5Br, ठीक है, और क्या हो सकता है C3H7I, ये सारे क्या है बच्चों? ये RX के फॉर्म है, ठीक है, ये सारे क्या है? RX के फॉर्म है, ठीक है। तो याद रखिएगा एल्किल हैलाइड इसी को कहते हैं हम लोग, ठीक। अब इसकी कुछ कैटेगरी है उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। क्या है बच्चों? हाँ, क्लासिफिकेशन ध्यान दो, क्लासिफिकेशन एक बार आपको पढ़ना है, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन सब में वर्क करेगा, सब में मतलब समझ पा रहे हो? इसके बाद जो चैप्टर्स आएंगे एल्कोहल एल्कोहल्स फिनॉल्स और ईथर्स, वहां पे भी यही काम करेगा, ठीक। तो आपको एक बार चैप्टर को, हाँ, ये पढ़ने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, ठीक है, लेकिन होगा क्या कि एक बार यहां पे आप पढ़ लोगे तो वो सारे चैप्टर्स में काम, मतलब कि फिर आपको फर्दर आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से पेन कॉपी लेकर के बैठो और एकदम पॉइंट वाइज नोट करते हुए चलो, तो आपको नोट्स भी मिल जाएगी और आसानी से ऑर्गेनिक हमेशा हमेशा के लिए प्रॉब्लम, हाँ, आपका जो है रिमूव आउट हो जाएगा, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। अभी हम एनसीईआरटी को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी सभी को पता होगा, चाहे वो नीट आप पकड़िए चाहे वो जेई मेंस पकड़िए, ठीक है। तो हम मेंस तक की बात कर रहे हैं, एडवांस के लिए नहीं कह रहे हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है आपके लिए, तो सबसे पहले एनसीईआरटी पे पकड़ बनाऊं, फिर जो एडिशनल क्वेश्चंस हैं उनको भी देखेंगे, ठीक है बच्चों। हाँ, आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है सारे बच्चों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा एल्काइल हैलाइड में बच्चों, यहां पे हमें, ठीक है, तीन डिवीजन पढ़ने हैं, ठीक है। वो तीनों डिवीजन कौन कौन से पढ़ने हैं ध्यान दो, एक आपका है प्राइमरी आरएक्स, मतलब समझ जाओगे एल्काइल हैलाइड। सेकंड आपको पढ़ना है सेकेंडरी आरएक्स पढ़ना है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है बेटा टर्सियरी आरएक्स, ठीक है। ये तीन डिवीजन है, प्राइमरी को हम लोग बेटा 1 डिग्री से भी इंडिकेट करते हैं, सेकेंडरी को बेटा 2 डिग्री से करते हैं, टर्सियरी को 3 डिग्री से कहते हैं, ठीक है, ध्यान देना बच्चों, हाँ 3 डिग्री। अब आपका प्राइमरी एल्काइल हैलाइड हम लोग कैसे पहचानेंगे, ठीक। तो बहुत ही सिंपल है, जैसे मैंने सपोज करो एक एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल, ठीक है, CH2X सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो बच्चों ध्यान दो, X जिस कार्बन से लगा हुआ है उससे कितने कार्बन लगे हुए हैं, 1। तो X जिस कार्बन से लगा है उससे लगने वाले कार्बन का नंबर जब 1 होगा तो बेटा वो कौन सा डिग्री हो जाएगा, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होगा, ठीक। और एग्जांपल कुछ लेते हैं, जैसे ध्यान दो अगर मैंने ले लिया यहीं पे, ठीक है, CH3CH2CH2Br ले लिया, ठीक है, ये कैसा है, ठीक है, ये कैसा हैलाइड है, प्राइमरी है सेकेंडरी है, अभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आपका एक ही आंसर आना चाहिए, सर अगेन ये प्राइमरी है, क्यों है, ध्यान दो, टोटल कार्बन आप मत काउंट करना, 1 2 काउंट करके आप बता दो, जी नहीं, ठीक, ब्रोमीन जिस कार्बन से लगा है उससे कितने कार्बन लगे हैं, ब्रोमीन बेटा इस कार्बन से लगा है और इससे केवल एक ही कार्बन लगा हुआ है ना, जैसे देखो मेरी दोस्ती आपसे है तो आपकी दोस्ती कितने लोगों से, उससे हमसे क्या मतलब है कि नहीं, तो ब्रोमीन जिस कार्बन से लगा है उससे ये कार्बन लगा हुआ है, अब इससे कितने लगे हैं वो, तो ये कार्बन ना रिस्पॉन्सिबल होगा ना कि ये रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक। तो बेटा ब्रोमीन जिस कार्बन से लगा है उससे एक कार्बन लगे होने के कारण फर्दर ये क्या है, 1 डिग्री आरएक्स है, मुझे लगता है 1 डिग्री आरएक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ठीक है बच्चों। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सेकेंडरी की बात कर ले, मैंने एक एग्जांपल लिया CH3, ठीक है, CH3 और यहां पे बेटा एक्स मैंने दिया, ठीक है, तो मैंने यहां पे एक्स लिखा, आई होप दिख रहा होगा, सिंपल है बेटा। अब देखो एक्स जिस कार्बन से लगा है उससे टोटल कार्बन कितने लगे हुए हैं, 2 लगे हुए हैं, तो बेटा ये सेकेंडरी हो गया आपका, ठीक। और ध्यान दो यहीं पे हम तीसरा एग्जांपल ले लें, CH3 और बेटा ये आपका एक्स मैंने लिख दिया, ठीक है। तो अभी ध्यान दो एक्स जिस कार्बन से लगा है उससे कितने कार्बन लगे हैं, 1 2 3,
ठीक है। अब आप सोच रहे हो सर ये तो हाइड्रोजन लगा है, जी नहीं, आपने ध्यान दो मिरर में आप जब इसको देखोगे, एक्चुअली ये लिखा ऐसे भले जाता है बट है कैसे, ध्यान दो H3C, ये सारे हाइड्रोजन कार्बन से लगे हुए हैं बच्चों, हर जगह ऐसे ही है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो वैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। इतनी जनरल चीजें बॉन्ड लाइन फॉर्मूला से तो आपको पता पहले से होगा क्लास 11th में, है ना बच्चों। अब ध्यान दो हम आगे बात करते हैं, मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्या होता है। प्राइमरी में बेटा ध्यान दो जब आपका हैलोजन जिस कार्बन से लगा उससे वन कार्बन लगा हो, ध्यान दो दूसरे में क्या है आपका हैलोजन जिस कार्बन से लगा है उससे दो कार्बन लगे होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं हैलोजन जिस कार्बन से लगा है उससे तीन कार्बन होने चाहिए, तो वो टर्सरी होता है। तो ये तो रही जनरल बातें, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसमें भी हम जानेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, मुझे लगता है सारे बच्चे नोट कर लिए हैं, ठीक है बिटाल दें, ठीक है ओके। अब इसमें इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन कैसे हम लोग करते हैं ध्यान दो, बहुत ही सिंपल तरीका है। एक चीज और मैं क्लियर करना चाहूंगा, CH3X ये क्या है, ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी जो है, देखो NCERT तो इसको बोलती है प्राइमरी है, ठीक है, बट ध्यान दो X जिस कार्बन से लगा है क्या उससे कोई कार्बन लगा हुआ है बच्चों, जी नहीं, ठीक। तो ठीक है प्राइमरी में इसको ले लिया गया है, आप जनरली जानते भी रहो, ठीक है, बट ये एक्चुअली आप इंटरनेट पे सर्च इसको आप सर्च कर सकते हो, देख सकते हो बेटा ये क्या है, सिंपल इसको डायरेक्टली बोला जाता है, इसको बोला जाता है मेथाइल हैलाइड, इसको हम डायरेक्ट बोलते हैं बेटा क्या, मेथाइल हैलाइड, याद रखना, ठीक है हाँ। या फिर दूसरा भी आप बोल सकते हो 0°RX बोल सकते हो, व्हाई इट इज 0°, बिकॉज एक्स जिस कार्बन से लगा हुआ है उससे कोई भी कार्बन नहीं लगा है, तो 0 ठीक है नहीं कहीं दिया हुआ है कोई बात नहीं, बट मेथाइल हैलाइड इसको आप बोल सकते हो। तो ये एक चीज आपको जो है यहां पे समझनी थी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पहचानेंगे कैसे, कुछ और भी एग्जांपल्स लेकर के, ठीक। देखो यहां पे है एक कार्बन और ये लगा हुआ है एक्स और ये लगा हुआ है R5, ठीक है, ये कौन सा डिग्री है आपका, आंसर आना चाहिए ये 3°, ठीक। यहीं पे मैं R2 लगा दूं और CH कर दूं और X कर दूं, ये कौन सा डिग्री है बच्चों, ये आपका ये हो जाएगा 2°, ठीक है। यहां पे मैं लगा दूं R CH2X, ये कौन सा डिग्री होना चाहिए, ये 1° होना चाहिए, ठीक, ये 1°। एक्चुअली में R है क्या, R भाई यह तो देखो CH3 होगा या तो C2H5 होगा, कोई ना कोई एक एल्काइल ग्रुप ही होगा। अब कोई भी आप एल्काइल ग्रुप यहां रख करके चेक कर सकते हो, इसकी डिग्री चेंज नहीं होने वाली है, कोई भी एल्काइल ग्रुप हम सपोज करो, एक हम और अच्छा एल्काइल ग्रुप रखते हैं, ठीक है, क्या रखते हैं बच्चों देखो, ठीक है इससे भी तगड़ा हम रख रहे हैं कोई C4H9 रखते हैं, चलो R की जगह C4H9 रखते हैं, क्या इसकी डिग्री देखो चेंज होती है कि नहीं, ठीक है सबको समझ में आ रहा है ना। R3 ये देखो ये 3° मैंने बोला, ये 2°, ये 1°, क्यों, क्योंकि एक R में एक ही कार्बन इस कार्बन से लगेगा, तो 3R में 3 कार्बन इस कार्बन से लगेंगे तो 3°, और वही सेम कहानी यहां पे है। और केवल हाँ अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, अब देखो एक बार रख करके चेक करते हैं, ठीक है, तो बस मैं R को भी क्लियर करना चाहता हूं ताकि R आ जाए तो आप घबराए ना, मैंने R की जगह ये रखना है, ये कार्बन हो गया, ये X हो गया, 3R था, तो एक जगह बच्चों C4H9 रखो, दूसरी भी जगह C4H9 रखो और तीसरी भी जगह C4H9 रखो, ठीक है। क्या इसकी डिग्री चेंज हो गई, अभी आप सोच रहे हो सर इस कार्बन से तो 4 लगे हुए हैं, इससे भी 4 लगे हुए, इससे भी 4 लगे होते तो काफी ज्यादा डिग्री आ रही, बट ऐसा नहीं है। जब इसको आप ओपन करोगे, अब एक बार ओपन फॉर्म लिख लेते हैं, ठीक है ओपन फॉर्म लिख लेते हैं, इसको कैसे लिख सकते हो, CH2 CH2 CH3, ये इसका ओपन फॉर्म है, ठीक। ऐसे ही बेटा ध्यान दो इसका भी ओपन फॉर्म हो जाएगा CH2 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 CH3, ठीक है, ऐसे इसका भी ओपन फॉर्म बन जाएगा। इसका ओपन फॉर्म कैसे बनेगा, CH2 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 CH3। कहने का मतलब क्या हुआ कि अब देखो मैंने R रखा था, R से हम लोग डाउट में आ रहे थे कि R की वजह से हो सकता है इसका नेचर चेंज हो जाए, बट एक R एक ही कार्बन को अटैच करेगा, देख सकते हो X जिस कार्बन से लगा है उससे कितने कार्बन लगे हैं, 1 2 3, इससे ना आगे लगे हुए हैं बेटा, तो हमें तो इस कार्बन से मतलब है, इससे कितने लगे हैं, 1 2 3,
सो दैट इज वाई इट इज 3 डिग्री Rx एल्किल हैलाइड। मेरा कुल मिला के टारगेट बच्चों ये है कि आपको हर पॉसिबिलिटी पता होना चाहिए कि हमें एल्किल हैलाइड पहचान पाने के लिए, बेसिक बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हो गई मुझे लगता है, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक प्यारा सा जो है क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। CH3 CH X CH2 CH Cl CH3 Br CH2 CH3, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब हमें एल्काइल हैलाइड पहचानना है, तो ये कार्बन तो एल्काइल हैलाइड है ही नहीं है क्योंकि इससे एक्स नहीं लगा है। इस कार्बन की हम बात करते हैं, ठीक है। इस कार्बन का नेचर क्या है, मुझे लगता है सारे बच्चे खुद से कर ले जाएंगे। ये कार्बन कौन सा एल्काइल हैलाइड है बच्चों, देखो नेचर ऑफ कार्बन अलग होता है और ये एल्काइल हैलाइड अलग। नेचर ऑफ कार्बन में जाओगे तो क्वार्टरनरी तक आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी उसको छोड़ो, अभी इधर देखते हैं बेटा। एक्स जिस कार्बन से लगा है, देखो एक्स जिस कार्बन से लगा, इसके बगल में एक सर्कल बना लो, हाँ इसके ठीक ऊपर एक सर्कल बना लो, ठीक है। अब बताओ इस कार्बन से कितने कार्बन आ रहे हैं, एक ये आ रहा है इस साइड वाला और एक ये आ रहा है, तो टोटल कितने आए, दो। तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी Rx बना। ये क्या बना बच्चों, सेकेंडरी Rx बना, ठीक। अब ध्यान दो, हम इस कार्बन की बात करें, यहां पे देखो जहां जहां हैलोजन है बस उसी को देखना है। ये कार्बन की मैं बात करूं, ठीक है, तो यहां पे जिस जो क्लोरीन लगा है जिस कार्बन से, इसके सर्कल में कितने आ रहे हैं, एक ऊपर आ रहा है एक नीचे। इस कार्बन से कितने लगे उससे नहीं मतलब है, इस कार्बन से कितने लगे, एक नीचे एक ऊपर, तो क्या हो गया, ये फर्दर सेकेंडरी Rx बना, ठीक। अगर इस कार्बन की बात करूं तो इसके भी चारों तरफ एक सर्कल बना लो, तो क्या आ रहा है बोलो, एक कार्बन इधर से मिला, एक इधर से मिला, एक नीचे से मिला, कौन सा डिग्री हो गया बेटा, ये 3 डिग्री Rx हो गया। होप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक। एक 1 डिग्री का भी कर लेते, देखो ये CH2 यहां पे मैंने कर दिया आयोडीन, ये कौन सा डिग्री है बताओ, ये वाला कार्बन, ये वाला जो कार्बन है बच्चों, ये देखो ये कार्बन हेलोजन से लगा है, इससे एक कार्बन लगा, तो ये कौन सा डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री Rx हो गया, ठीक। तो बच्चों प्लीज आप नोट कर लो, ये आपका एक प्यारा सा क्वेश्चन भी हो गया, सब लोगों को मुझे लगता है ये सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एल्काइल हैलाइड होता क्या है, ठीक, ये एक कह सकते हो हेलो एल्केन ही है, मतलब क्या कह सकते हो, ये है ही है हेलो एल्केन बच्चों, हमने एग्जांपल किया। अब हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो होगा वो एलाइलिक हैलाइड होगा, नेक्स्ट वन, इसके ठीक बाद बेटा ए पार्ट हम लोगों ने पढ़ा, सेकेंड पार्ट आपका है एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। एलाइलिक हैलाइड हम लोग, ठीक है, हाँ अभी बेटा हम मोबाइल से यूज करते हुए वीडियोस को जो है अपलोड कर रहे हैं, तो बहुत लंबा वीडियो होगा तो अपलोड यूट्यूब पे होना मुश्किल होगा, ठीक है। तो अभी करना क्या है कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसी यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड लेक्चर था ऑर्गेनिक का, थैंक यू, विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। हाँ आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है।